ये दोस्तों हमारी सरपुर में खीर बनकर तैयार हो गई है। नमस्कार दोस्तों, एसपी की बिना नीटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज शरद पूर्णिमा है तो आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष में लेके आई हूँ। शरद पूर्णिमा पे खीर बनती है जो चावल की बनती है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पड़ेगा और कैसे बनाना है और हम उसको कैसे करेंगे। तो चलिए मेरे किचन में, मैं आपको फटाफट बताती हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, हम ये दूध लेंगे, हम खीर बनाने जा रहे हैं और एक साइड हम चाय रख रहे हैं। देखिए हम ये चाय हम बना रहे हैं और देखिए हमारे जो किचन है बहुत सिंपल तरीके से है, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारे दूध उबल गए हैं, हमने चावल को हमारी तो यहाँ चाय पक रही है अच्छे से। ये देखिए चाय हमारी पक रही है, हमने यहाँ पे चावल को अच्छे से पीस लिया है, धो लिया है। चावल को थोड़ा पीस लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर चलिए हमने थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, अब हम दूध में डाल देते हैं फटाफट और हमारी खीर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। चावल में देखिए हमने दूध में हमने चावल डाल दिया है और हमने उसको अच्छे से चला लिया है, तो हमारी खीर धीरे धीरे भी पकेगी और हमारी यहाँ चाय बन के तैयार हो गई है। चलिए हम चाय छान लेते हैं और उसको पियेंगे। चलाते रहना हमें, नीचे लाएंगे तो चावल के यहाँ नीचे लग जाएगा। चावल को पीसा था, आपको दिखाया था कि चावल कैसे हमने। तो प्लीज अब हम चाय को छान लेते हैं और हम बैठ के पीने जा रहे हैं फटाफट। दोस्तों हमने सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, हम अपने खीर में डालेंगे। ये काजू है, बादाम है, ये खसखस है। खसखस को छन्नी में, इसलिए खसखस जो है बह जाता है, तो इसके लिए खसखस को धो के मैंने छन्नी में छान लिया है। तो चलिए अब उसको हम सब ड्राई फ्रूट्स को हम उसमें डालेंगे फटाफट। देखिए हमारी खीर है जो बन के तैयार हो रही है। थोड़ा सा पटकना पड़ता है क्योंकि इसमें जो हमारी वो है, और हमने देखिए सब सामान डाल दिया है इसके अंदर। किशमिश भी है, नारियल का बूरा भी है, हमने इसमें नारियल का बूरा नहीं, नारियल घिस के डाला हुआ है, और हमने शक्कर भी डाल दिया है। देखिए हमारी खीर कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई। और हम इसके अंदर बंद करने वाले तो इलायची थोड़ा डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची को पहले कूट लेते हैं फटाफट। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इलायची कैसे कूटते हैं और फटाफट इसके अंदर डाल के हम खीर बंद करेंगे। हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है, अब इसे हम इलायची का डाल दे रहे हैं और इलायची चला के ढक दे रहे हैं और ये हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी गाढ़ी खीर बनी है हमारी, ना हमने इसमें क्रीम डाला ना कुछ डाला है, सिंपल खीर बनाई है जैसे बनाते हैं। ये दोस्तों हमारी सरपुर में खीर बनकर तैयार हो गई है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसे नए नए वीडियो लाते रहूंगी। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, बाय बाय।